वेल गाइस, आपको याद तो होगा ना, कुछ दिनों पहले करण कुंद्रा जो है उदयपुर गए थे बिग बॉस के बाद उनकी पहली इवेंट थी, और एक बड़े ग्रेट फैट इंडियन वेडिंग में वो होस्ट करते हुए नजर आए थे। वेल, उनके साथ जो फीमेल होस्ट थी उन्होंने ऐसे कुछ बातें कही जिसके बाद जो है करण कुंद्रा होस्टिंग तो भूल अपने आप को ब्लश करने से रोकने की कोशिश सॉलिड करते हुए नजर आए, बिकॉज बाहर इतनी सामने ऑडियंस बैठी है, उन्हें एंटरटेन करना, उनसे बातें करनी है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल होस्ट है उनका कुछ और ही चल रहा है। और इस वजह से जो है करण ऐसे कर रहे हैं, चुप कर, तू ऐसे क्या कर रही है, मेरे पहली इवेंट है बिग बॉस के बाद, ये मत तू कर मेरे साथ, इस तरह से जो है करण कुंद्रा उन्हें जवाब देते हैं। वेल, ऐसा क्या होता है जिस वजह से जो है करण कुंद्रा भरी स्टेज के माहौल में भरे ऑडियंस के सामने दिखाई देते हैं, ब्लश करते हो, बताऊंगी इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, एक फैन ने जो है एक वीडियो पोस्ट किया है कि ही डिड नॉट इवन टेक अ सेकंड, जो स्माइल और ब्लश किया है लड्डू का नाम लेने के बाद, शादी के लड्डू की बात हो रही थी, लेकिन लड्डू का नाम लेते ही करण के चेहरे पर क्या अलग नूर आया है। आई एम गोइंग टू डायरेक्टली शो यू दिस वीडियो ताकि आपको समझ आए कि क्या कुछ हो रहा है। शादी के बारे में बात करें तो करण, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पचता है, जो ना खाए पचता है, और लड्डू के नाम से मुझे कुछ याद आता है। बिग बॉस के बाद मेरा पहला इवेंट है, तो तुम फायदा मत उठा। वैसे शादी के बारे में बात करें, शादी के बारे में होस्ट जो है, फीमेल होस्ट है, वो बात करी थी कि शादी के लड्डू के बारे में जो भी खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। और आपने देख लिया होगा कि करण किस तरह से ब्लश कर रहा था, और इसके बाद वो होस्ट को बात समझ आई कि यस, सनी और लड्डू का कनेक्शन बिग बॉस कौन नहीं देखता, तो उन्हें पता ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लड्डू कहने के बाद मुझे कुछ और बात याद आती है। तो करण जो उन्हें कहते हैं नजर आते हैं, अरे तू मेरा फायदा मत उठा, बिग बॉस के बाद मेरा पहला इवेंट है, तू उसे खराब मत कर। इस तरीके से जो है फन मस्ती किए जा रही थे, क्योंकि अगर लड्डू का नाम लेते तो उनकी लड्डू वाली स्टोरी शुरू हो जाती। तो जो एक्चुअल कपल है जिनकी शादी हो रही है, जिनके संगीत में वो होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका थंडर छीनने की बात होगी। आई एम श्योर करण डिड नॉट वॉन्ट टू स्टील दैट थंडर बाय टॉकिंग अबाउट दिस लव स्टोरी विद लड्डू। इसीलिए उन्होंने उस होस्ट से कहा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरा पहला इवेंट है आफ्टर बिग बॉस, रुइन मत कर। लेकिन कुछ भी कहो, जो प्यारा सा एक मोमेंट था जहाँ पे करण को हमने ब्लश करते हुए देख लिया, अपनी ब्लश जो है संभाल नहीं पाए जब नाम लिया लड्डू का, उसके ऊपर आपको क्या है कहना नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे करण जहाँ कहीं भी जाते हैं लड्डू भले उनके साथ प्रैक्टिकली सामने प्रेजेंट ना हो, वो कहीं और है, भले वो शूट करिए अपनी जो भी चीज़ों में बिजी है, लेकिन करण के साथ उनके लड्डू हमेशा बातों में, मेमोरीज में, और फेस पे जो स्माइल है, ब्लश है, उसके साथ रहती है। डिट्टो विद तेजा ऑल्सो। क्या है आपको इसके ऊपर कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।